दोस्तों भाइयों, आज नारियल के बारे में बता रहा हूं। खोपरा ये ऐसी कुदरती दवा है दोस्तों भाइयों, ये हर दिन आप इसका हरीरा बनाएंगे। सुबह में हरीरा यानी खशखश, बादम, खजूर, पिस्ता सब डालकर इसका हरीरा बनाएंगे और सुबह को चाय पीने के बजाय हरीरा पियेंगे। हरीरा पीते रहे, हरे भरे बनकर रहती, तंदुरुस्त रहती। इसमें आपकी जवानी बढ़ते रहती है, कम नहीं होती, और आपके आपके पार्ट्सों की ताकत बढ़ते रहते हैं, यानी किडनी, लिवर, हार्ट दिन पर दिन मजबूत होते रहता है और ऊपर से भी खूबसूरत होते रहती, अंदर से भी जवान बनते रहती। और सुबह शाम इसका हरीरा पियो, चाय पीने का तौबा करो, छोड़ डालो, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है। शैतान हमेशा एक कोशिश करता है हमेशा इसे बीमार रखना और बीमारी की हालत में जिसे मारने लगाना, ना शुक्रा बन को जाना दुनिया से। मेरे दोस्तों, ये सुबह को चाय पीना शैतान की सुन्नत है। ये अच्छा याद रखो, ये चाय पीने का सिखाए तो कौन ने? अंग्रेजा। किसे सिखाए? जो हिंदुस्तान आजाद करने के वास्ते जो भगत सिंह, अश्वाक और जो भगत सिंह इन सब भी देश के लिए लड़े, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, ऐसे देश प्रेमियों को मारने के वास्ते अंग्रेज इंतजाम करे कि अल्मोनियम के शतला में खाना, अल्मोनियम के शतलों में खाना पकाना पका को खिलाए और चाय पिलाए, कहीं को जल्दी मरे दे को। मेरे दोस्तों, आज शैतान हमना भी वो काम चुका रहा है, अल्मोनियम के शतल में पका को खाना, रोज चाय पीना, ये किडनियां खराब होने की निशानी, लिवर खराब होने की निशानी, हार्ट अटैक आने की निशानी। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए अल्मोनियम में पका, मट्टी के बर्तन में पका को खाना और लकड़ी से खाना पकाना और जो है मिट्टी के हंडियों में, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना, ऐसा कर लिए जिंदगी में बीमारियां नहीं आते दोस्तों, क्योंकि बीमारियां खुद हमें मंगा ले रही। सो अल्लाह कुरान में फरमाती, बीमारियां तू तेरे हाथों से मंगा ले रहा है और शफा मैं दे रहा हूं, फिर भी अल्लाह बार बार अच्छा कर रहा है। हमें बार बार बीमार हो रही, बीमारी मंगा ले रही।